खरगोन जिले के सनावत तहसील में पिछले कई दिनों से पुलिस की सख्त पकड़ और निगरानी के बाद चोर और उठाई गिरोह में डर बना हुआ था, लेकिन गत रात चोरों ने क्षेत्र में दस्तक देकर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। चोरों ने नगर के हाईवे स्थित एक मकान के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस सघनता से आरोपियों की तलाश में लग गई। सभी जगह के मुशरुके की बात करें तो करीब 4 लाख से अधिक की राशि चोरी की बरामद की गई है। वहीं घटना का पता करने पर आरोपी पथराव करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गए। जांच अधिकारी दीपक तलवारे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए खरगोन से आई फॉरेंसिक टीम की घटना स्थल पर जांच की गई। सनावत से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। के अंदर कहां पर चोरी हुई सर? एक कस्बे में एक गीताश्री होटल के संचालक है, उनके यहाँ रात में हुई थी, जिस पर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा उनके संचालक पर द्वारा पत्थरबाजी भी हुई थी। पत्थर जारी में थोड़ी सी मामूली चोटें भी आई थी, जिसमें रात में मैं स्वयं था वहाँ पर तस्दीक करी थी। हाँ जी, ठीक सर, थैंक यू। क्या है कि रात को 3 चोर आए थे, तो एक लड़का नीचे खड़ा था, एक बीच में खड़ा था और एक ऊपर खड़ा था। जो ऊपर गया था उसने मेरे यहाँ का लॉक तोड़ा और अंदर अलमारी का लॉक तोड़ा और दराज का लॉक तोड़ा, मतलब लॉकर का लॉक तोड़ा। वहाँ से 2 हार 2 अंगूठी मेरी खुद की पहनने की और बच्चों की चेने हैं, एक पायजब है, कान के टाप्स हैं, ये ले गए। कुल कितना लागत का मसरूका होगा ये? 2-1 लाख रुपए का 2-2.5 लाख रुपए का। कुछ हमला भी किया था उन लोगों? हाँ, हमने बड़े भैया पे हमला किया, बड़े भैया पकड़ने गए उनको, तो हमारे बड़े भैया पे हमला किया, उनके हाथ में पत्थर लगा हुआ, एक सीने पत्थर लगा हुआ। पत्थर भी चलाए थे आपके घर? हाँ, पत्थर भी चलाए थे उन्होंने। कितने बजे की घटना है ये? 3 से लेकर 4 के बीच की घटना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।